मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आईएमएफ की बड़ी शर्त को पूरा कर दिया। शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया गया। स्टेट बैंक ने महंगाई के मजीद बेलगाम होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं काशिफ हुसैन। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर आ गई। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 17% से बढ़ाकर 20% कर दी। मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया है, हालिया तब्दीलियों और एक्सचेंज रेट में कमी से महंगाई मजीद बढ़ेगी। स्टेट बैंक ने रवा माली साल औसत महंगाई 27% से 29% रहने की पेशगोई कर दी और साथ ही महंगाई पर काबू पाने के लिए मजबूत पॉलिसी इकदामात को भी नागुजीर करार दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे की वजह से कर्जों की अदायगी में मसाइल का सामना है। बढ़ती हुई आलमी शरह सूद और गैर यकीनी सूरत हाल से ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर दबाव बढ़ रहा है। स्टेट बैंक को उम्मीद है जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी में इजाफे से सूरत हाल बेहतर होगी। सब्सिडीज में कमी, तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल और किफायत शुआरी मुहिम से बढ़ते हुए मालियाती और बुनियादी खसारे पर काबू पाने में मदद मिलेगी। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, करा।